हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल डिश बनाने जा रही हूँ जो कि खिचड़ी है। ये खिचड़ी कोई आम खिचड़ी नहीं है, ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बनाई जाती है, जो हरी छिलके वाली मूंग की दाल से बनती है। और जितनी दाल होती है उतने ही हम इसके लिए चावल लेते हैं। चावल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कुछ इसके अंदर वेजिटेबल डाले हैं। आप इसको बनाएंगे, खाएंगे मेरे तरीके से। अगर इसको बनाएंगे तो सिर्फ 10 मिनट में बनके ये डिश तैयार हो जाती है। तो चलिए हम इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, जो कि हरी मूंग छिलका से बनती है और चावल से। चावल और हरी मूंग छिलके की दाल मैंने एक एक कटोरी ली है, ये छोटी कटोरी एक एक हमने लिए, और उसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। चावल मेरे साबुत थे, मैंने साबुत चावल लिए। आपके पास जैसे चावल हो आप वैसे लीजिए, ये कोई ज़रूर नहीं है कि साबुत ही से बनानी है। आप टूटा भी ले सकते हैं, टूटा हुआ आधा चावल भी ले सकते हैं। भाई ये एक पारंपरिक डिश है, तो इसको बनाना संक्रांति के दिन बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। और इसको बना के खाना भी बहुत ही लाभदायक होता है। ये एक ट्रेडिशनल डिश है खिचड़ी, और इसके अंदर मैं थोड़े से वेजिटेबल डालूँगी, जिसके लिए मैंने गोभी ली है, फूल गोभी, और ये मटर लिए हैं, ये गाजर ली है, और ये आधा टमाटर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक छोटा चम्मच घी डाला था, और इसके अंदर मैं अब डालूँगी हाफ टी स्पून जीरा। ये आधी छोटे चम्मच में डालूँगी इसके अंदर हींग। ये हमारे जो सड़क गए हैं मसाले, इसके अंदर हम डालेंगे फूल गोभी कटी, ये गाजर, ये हमारे मटर। इन सबको हम थोड़ा सौते कर लेंगे। इन सब के ऊपर थोड़ी सी कोटिंग हो जाती है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारी खिचड़ी है, अब इसको डाल देंगे। ये देखिए, हमने दाल और चावल दोनों को हमने इनके साथ मसालों के सब्जियों के साथ थोड़ा सा सौटे कर लिया है, इससे इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है और हमारा थोड़ा ये सारा जो है मिक्स वो भुन भी जाता है, जिससे टेस्ट बहुत ही उभर के आता है खिचड़ी का। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे। आधी चम्मच नमक डालेंगे हम इसमें, ये छोटी आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, और ये हमारा धनिया पाउडर 2 चम्मच। इनको भी हम थोड़ा पकाएंगे, थोड़ा मसाले भुन जाएंगे। ये हमने 1 गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर, और ये जो हमने अपने टमाटर काटे थे हम ये भी डाल देंगे। अब इसके हम लिड लगा देंगे, और 2 सीटी पे हम, उसके बाद जब तक हमारा प्रेशर रिलीज नहीं हो जाता तब तक हम कुकर नहीं खोलेंगे। तो हम इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, हमारा प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब हम खिचड़ी को देखते हैं। कितनी फर्स्ट क्लास हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। हम इसके अंदर एक तड़का तैयार करते हैं, वो लगाते हैं, और खिचड़ी हमारी खाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा इसके अंदर जीरा डल गया है, और ये हमने 1 हरी मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ये देगी मिर्च का पाउडर डालेंगे, और ये इसके अंदर हम अपनी खिचड़ी पे डालेंगे। अब हमारी खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा नमक कम था, तो मैंने इसके अंदर आधी चम्मच करीब नमक और डाला था। अब आप देख सकते हैं खिचड़ी में कितनी बढ़िया रंगत है और कितना यमी लग रही है। ये लीजिए हमारी ट्रेडिशनल डिश संक्रांत, मकर संक्रांति की खिचड़ी, वो तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी फर्स्ट क्लास और कितनी बढ़िया लग रही है ये खाना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये बनाई जाती है। आप देखिए मैंने इसको जिस तरीके से बनाया, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने थोड़े से वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है, वैसे प्लेन भी बनती है लेकिन मैंने वेजिटेबल डाल के बनाई है ताकि ये और पौष्टिक हो गई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो।